हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं गोविंद कुमार और मैं आ चुका हूं बिहार के भोजपुर जिले में, यानी कि आरा में। और यहां पर एक KFC स्टाइल में एक रेस्टोरेंट खुला है। सो आइए देखते हैं कि ये रेस्टोरेंट कैसा है। तो आइए आपको रेस्टोरेंट का व्यू दिखाते हैं, कैसे रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में इंटर करते ही आपको albag.com का लोगो दिखाई देता है, जो कि एक चिकन जो कि सर्व कर रही है, और इसका इंटर डिजाइन काफी खूबसूरत ही बनाया गया है। हेलो जी, भैया से मिलिए जिनके ओनर यही खुद है। हाँ। तो अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताइए। ये हमारा albag.com है, फ्रेंचाइजी आउटलेट है, जिसमें मोर देन 150 से ज्यादा अभी रेस्टोरेंट है इंडिया में जी। और करेंटली यहाँ पे भी हमने आरा में भी सर्विस को लेके आए, ताकि लोगों को अच्छी सर्विस मिले और अच्छा टेस्ट मिले। KFC स्टाइल का जो फ्राइड क्रिस्पी चिकन है, KFC इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि फ्राइड क्रिस्पी चिकन को उससे लोग जानते हैं, है। तो वो वाले स्टाइल में चिकन है, और साथ में हमने और भी मेन्यू ऐड किए हुए हैं। मेन्यू में दिखा सकते हैं, फ्राइड क्रिस्पी चिकन है, पिज्जा है, बर्गर है, मोमोज है, ड्रिंक्स सारे हैं, लाइव आइसक्रीम भी है, चाइनीज के सारे आइटम हैं, नूडल्स वगैरह जी। बहुत इफेक्टिव रेट पे, मतलब मार्केट से आपको अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं, साथ में बढ़िया क्वालिटी के साथ में। और इनका कहने का मतलब है कि जो भी आप यहाँ पर खाने का सामान आएंगे वो KFC से अच्छी क्वालिटी में दी जाएगी, और KFC की तरह भी दिया जाएगा। शादी का इंजॉय भी करने का भी जगह है। तो आइए भाई, दिखा दीजिए ना। हाँ जी भाई, कोई छोटा मोटा फंक्शन वगैरह होगा, लाइक बर्थडे सेलिब्रेट करना है, फिर कोई भी छोटा मोटा फंक्शन स्पेशली उनके लिए टाइप बर्थडे स्टोरेज ना रहे, केबिन यहाँ पर 20-25 लोग आराम से बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं इंटीरियर वगैरह। इसके लिए कोई चार्जेस भी है? हाँ जी, नहीं इसके लिए कोई चार्ज नहीं, बस आप हमारे यहाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहते हो, या कोई मीटिंग छोटा मोटा रखना चाहते हो, या कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर फ्री में आ सकते हैं, लेकिन आपको तो खाना ऑर्डर करना ही पड़ेगा। क्यों भैया? जी तो चलिए और भी देखते हैं इनके इंटीरियर डिजाइन को और सीटिंग मैनेजमेंट एरिया को भी। भैया और भी आपके पास क्या क्या स्टार्टर से लेके क्या चीजें सारे हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। हमारे पास स्टार्टर भी है, मेन कोर्स भी है, बिरयानी हमने बहुत फेमस है बिरयानी राइस। जो आपके पास फेमस चीजें उनका कुछ लिस्ट का नाम बता दीजिए, ताकि वहाँ पर लोग आपके यहाँ पर आकर टेस्ट करें और चखे कि हाँ आपके पास। पिज्जा बहुत अच्छा है, पिज्जा बहुत पसंद कर रहे हैं लोग जी, रेगुलरली बहुत अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं जी। होम डिलीवरी भी है, 350 रुपए से ऊपर अगर जाता है तो फ्री होम डिलीवरी है, आरा किसी भी जगह पे आप दे सकते हैं। मतलब कितने किलोमीटर तक दे सकते हैं? पूरा आरा टाउन, पूरा यानी आरा टाउन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे आरा में कहीं भी आप मंगा सकते हैं, इससे अच्छा चीज क्या हो चाहिए। जैसा कि हम लोग और भी यूट्यूब वीडियो में देखते हैं कि सामने रखकर वो आइसक्रीम बनाते हैं, वो सब ये बिल्कुल हमारे शहर में बिल्कुल नया चीज़ है, ये हमारे पास मिलेगा और कहीं। ऐसा तो मैंने पहले कभी आरा में एक्चुअली कभी देखा नहीं था, तो यहाँ पर देख रहे हैं। खाना बनाया होगा या रेडीमेड आइसक्रीम खाया होगा, लेकिन अब आरा में पहली बार कुछ चीज़ है जो कि आप अपने आंखों के सामने लाइव बनता हुआ आइसक्रीम को देख सकते हैं। तो भैया अभी कौन सा आइसक्रीम बन रहा है? ये लाइव आइसक्रीम है जी, तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो आइसक्रीम बनने वाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने तो ज़्यादातर पहली बार देखा है, ऐसा पहली बार कुछ हो रहा है आरा में। खाने के बाद इसका रिव्यू देंगे। और फिलहाल इसका मेकिंग का हम लोग इंजॉय ले रहे हैं, किस तरह मेकिंग किया जा रहा है देखने में, तो बाकी बहुत खूब अच्छा लग रहा है।
आइसक्रीम के मटेरियल के डलने के बाद वह तुरंत ठंड के कारण जमने लगी थी और उसे पूरा भुना जा रहा था, जैसे कि वो लग रहा था कि कोई वह कराटा या सोलिन सॉकर की तरह अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। और इसके बाद इसका एक चौड़ा सा लेप बनाया जाएगा जो कि कुछ देर के बाद इसे काटा भी जाएगा। आप जो इस आइसक्रीम का आकार देख रहे हैं यह करीब उनका 10 मिनट का मेहनत है जो कि भैया कंटिन्यू अपना काम को कर रहे थे। आइसक्रीम की फ्रीजर इतनी ठंडी हो गई थी कि आइसक्रीम को कटना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। अब इस आइसक्रीम को लंबे पट्टी के आकार में काटा जाएगा। इस लंबे पट्टी को काटने के बाद अब इस पट्टे को रोल के रूप में बदला जाएगा ताकि वह आइसक्रीम का रोल का शेप पकड़ ले। रोल का शेप पकड़ने के बाद उसे प्लेट में डाला गया। ठीक वैसे ही अब दूसरे पट्टे को भी काटा जाएगा और उसे भी रोल के रूप में किया जाएगा और फिर उसके बाद इसे भी प्लेट में डाला जाएगा। आइसक्रीम को और स्वादिष्ट बनाने और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके ऊपर चॉकलेट सिरप को डाला गया। आइसक्रीम रोल पर चॉकलेट सिरप डालने के बाद अब इस पर चेरी डाला गया जो कि इसका स्वाद को और दोगुना बढ़ा देगी। एक्चुअली हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम का डिमांड किया था और इसका फ्लेवर लाने के लिए इसमें दो फ्रूट्स स्ट्रॉबेरी का डाले गए। फाइनली अब हमारा आइसक्रीम हो गया है तैयार। ठीक है, अभी हम टेस्ट कर बताते हैं कि कैसा आइसक्रीम बनाऊंगा। मुंह में डालते हैं इसका इंस्टा खाने में सब स्वाद बहुत ही स्वास्थ्य अच्छा होता है। ऐसा मैंने पहली बार खाया हुआ है और मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। ठीक है, तो हो सके तो अभी लाइव आइसक्रीम को देखा चलता है और आप यहाँ पा सकते हैं और यहाँ पे इसका टेस्ट का आनंद भी ले सकते हैं। और मैं स्पेशली भैया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कोई पहली बार आराम में लेकर आए हैं। हम लोगों ने क्रिस्पी फ्राइड चिकन एंड बर्गर विथ गार्लिक का ऑर्डर किया। अगर आप खाते वक्त इनके सोशल मीडिया हैंडल पर आप उनको टैग करेंगे, यदि आपका 100 इंस्टाग्राम पर लाइक्स आ गया तो आप अच्छी खासी डिस्काउंट मिल सकती है। TNC अप्लाई। इनकी फ्राइड चिकन रियली KFC की तरह लग रही थी और इनके बर्गर भी काफ़ी अच्छे लगे। एक बार फिर से आपको इनका इंटीरियर डिजाइन और सीटिंग मैनेजमेंट एरिया दिखा देते हैं। इनकी सबसे एक इंटीरियर डिजाइन में सबसे अच्छी मुझे लगी जो कि थी भारत माँ का नक्शा और भारत माँ से कौन प्यार नहीं करता। अगर आप चिकन खाने के शौकीन रखते हैं तो आप जरूर एक बार albag.com में घूमने के लिए आइए। अगर यही बात करें लोकेशन की तो आप रामना रोड में आ सकते हैं जो कि साउथ की तरफ पड़ेगा।
और आदित्य होटल और चंपारण के बगल में है।